हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर के फिर से एक नए और एक्साइटेड वीडियो में। इस वीडियो में बताऊंगा कि सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसकी फॉर्म अक्टूबर में शुरू होने वाली है। तो उससे पहले जरूरी बात आपके लिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सामने एक बेल आइकन आएगा, तो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। क्या करिए, जितने भी सारी में गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की भर्ती लाता हूँ, सबसे पहले आप पा सकेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि देख पा रहे हैं, सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में बात करें, जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है सीआरपीएफ की तरफ से। ये जो भर्ती है दोस्तों, ऑल इंडिया की भर्ती है। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये जो पोस्ट है दोस्तों, पैरामेडिकल स्टाफ की भी ये फिर से भर्ती आएगी, और जो आएगी सब इंस्पेक्टर, इन इंस्पेक्टर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की भर्ती होगी। ऑल इंडिया के सभी इस अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन होगी। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑफलाइन से ये अप्लाई होगा दोस्तों। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसी है दोस्तों 788 पोस्ट है, जिसमें कि आपको जो नंबर ऑफ पोस्ट मिलेगी, इसमें सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की 175 पोस्ट, कॉन्स्टेबल सफाई कर्मचारी की 121 पोस्ट, कॉन्स्टेबल कुक की 116 पोस्ट, हेड कॉन्स्टेबल असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट की 88 पोस्ट इसमें मिलेगी। और इसमें और जानकारी की बात करें तो इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मास्टिक्स की भी पोस्ट है दोस्तों, और हेड कॉन्स्टेबल जूनियर एक्सवाई असिस्टेंट की भी पोस्ट है इसमें। और बात करें तो हेड कॉन्स्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट भी है, और सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी असिस्टेंट भी इसमें है दोस्तों। रेडियोग्राफर के लिए 8 पोस्ट है, हेड कॉन्स्टेबल डेंटिस्ट के लिए 8 पोस्ट है, असिस्टेंट फाइव थेरेपिस्ट के लिए इसमें 5 पोस्ट है, हेड कॉन्स्टेबल लेबोरेटरी के लिए इसमें 5 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर इसमें रखी गई है दोस्तों, अगर आप सिंपल 10वीं पास किए हैं और 12वीं पास किए तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल्स की इसमें बात करें तो जैसे कि देख पाए, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है इसमें 200 रुपये से लेकर 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये भी आप इसमें अगर डालेंगे तो अप्लाई आराम से हो सकेगा ऑनलाइन आवेदन दोस्तों। फीमेल की बात करें तो SC/ST के लिए कोई भी फीस रखी नहीं गई है। ये जो सेंटर होगा दोस्तों, CRPF भोपाल में आपकी पोस्टिंग होगी, और CRPF बेंगलुरु में इसमें आपकी पोस्टिंग होगी दोस्तों। अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहला जो होगा सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, फिजिकल एक्सपेंसिव टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका, उसके बाद बात करें तो ड्रेस टेस्ट होगा, वेटिंग एग्जाम होगा और मेडिकल एग्जाम भी इसमें होगा दोस्तों। एबिलिटी अगर बात करें तो हाइट इसमें रखी गई है, UR SC EWS and OBC कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर से होगा, और हाइट पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर इसमें रखी गई है। अगर बात करें तो जो ST है इसके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर इसमें हाइट रखी गई है दोस्तों। अगर बात करें हाउ टू अप्लाई, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, इस पर विजिट कर सकते हैं, CRPF.gov.in पर विजिट कर इसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो यही थी वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू विजिट कर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सामने एक बेल आइकन आएगा, तो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो फिर से एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।